44 चलो चाचा नहीं, जब रखी भाई गेट बंद हो गया था, बस बड़ी मुश्किल से पहुंच गए। तो ठीक है भाई, पहुंच गए हैं, गेट बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से जान बची है, तो बाहर चले गया। नहीं वो पता उसके भी मोबाइल में 5 हाँ, किस तरह से जमावड़ा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोग आज सभी आ चुके हैं भाई। और देखो 5:54 हो रहे हैं और बस अभी दीप सफारी एंड हो गई है और अब चलते हैं अपने रूम में, मुँह हाथ धोते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर डिनर करेंगे, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर चारों तरफ का माहौल दिखाता हूँ आपको कि क्या माहौल है यहाँ पे। चलो वुड स्टैंड पे चलते हैं, सर खड़े हुए हैं जो कैलिफोर्निया से दिख रहा है यहाँ पे, अभी तो नहीं है ना, बस हाथी तो वहीं जमे हुए हैं आज पूरा रात, पूरा दिन हो गया। अच्छा दो हाथी उधर भी है, वो ग्रुप अलग है ना, और एक बीच में हाथी, फिर एक वहां पर, ये फैल गए हैं। वाओ आपने देखा, अच्छा साइडिंग टाइगर का अटैक ऑलमोस्ट देख लिया था। चलो भाई वैसे तो शाम हो चुकी है पर फिर भी थोड़ा सा कम लाइट में भी तो ये दूरबीन अच्छा दिखा देती है, तो देखते हैं कुछ दिखता है तो। बहुत बेहतरीन दूरबीन है भाई, वुडपैकर आ गई, देखो किस तरह से अपनी चोंच मार रही है उस पर, ऊपर ऊपर जा रही है। ये देखो चलो चलते हैं उसके पास, वुडपैकर के पास ही चलता हूँ मैं तो, यहाँ पर बैठी है। वाओ पीपल के पेड़ पे आ गई है, इसने तो चार चांद लगा दिए भाई ट्रिप को, मैं तो भाई इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला जहाँ तक दिखेगी, देखता हूँ भाई। दोपहर को इतना खाना खाया, उसके बावजूद भी सारा खाना पच गया, मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाया ही ना हो, पता नहीं यहाँ का पानी है ऐसा है या फिर मेरे ख्याल से पानी ऐसा होगा यहाँ का, 1 घंटे में भूख लग जाती है। अभी सफारी करके आए फिर भूख लग रही है, क्योंकि सफारी में भी काफ़ी उछलना पड़ता है, कूदना पड़ता है गाड़ी में। चलो मैं भी कुछ दूरबीन से देख लेता हूँ कि एक्चुअली दिख क्या रहा है, हाथी क्या कर रहे हैं। 6:32 हो रहे हैं और रूम में जा रहा हूँ उस तरफ कैंटीन। ठीक है तो शाम को इस प्रकार मेरा रूम दिख रहा है, बाथरूम बहुत अच्छा है इनका ना, ये देखो बाथरूम कितना अच्छा है, बाथरूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मोबाइल को करते हैं चार्ज, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तो खाना वाना खाएंगे। तो शेखावत भाई भाई कुछ बता रहे हैं क्या हो गया, मैं और वो मावत उधर गए ना गेट पे, हाँ हाँ। तो वहाँ पे एलिफेंट वो जो उधर छोड़े थे वो हाँ। शायद ऊपर आ गए, हाँ हाँ। वो एलिफेंट और टाइगर की आवाजें आ रही थी, मतलब आपने सामने हो गए होंगे वो। ओहो टाइगर की पता है। अच्छा ढिकाला की एक बात है कि यहाँ पे ना पूरी रात आप वाइल्ड लाइफ की आवाज सुन सकते हैं, जंगल जग जाता है और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब खाना खाने जा रहे हैं भाई, मैं गेट का लॉक लगा देता हूँ भाई, थोड़ा लाइट चला लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट जलानी बहुत जरूरी है, कोई भी नहीं दिख रहा भाई, सारे टूरिस्ट पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बस हम ही है लास्ट में साथ कैंटीन में खाना खाने वाले। चलो भाई 450 रुपये का लंच करते हैं, डिनर करते हैं, लंच भी 450 का था, ये भी अप्रोक्स 900 रुपये का। तो भाई अगर आप कैंटीन के अलावा इधर उधर जाओगे ना तो आपको टाइगर वगैरह की रोड सुन जाएगी। तो ठीक है पहुँच गए यहाँ पे, अभी भी काफ़ी लोग हैं खाना खा रहे हैं, देखते हैं खाने में क्या बनाए। थैंक यू सो मच। चलो भाई सलाद वगैरह सब कुछ है, सूप दिखाना कौन सा है, वेजिटेबल है। अरे वाह ये तो मुझे बांध दी है, बहुत बढ़िया, दे दो। बस ले लेते हैं अभी, पास्ता भी है भाई, देखो दोपहर को तो बनते हैं नूडल्स, इस टाइम बनता है पास्ता। और ये क्या बनाया है, मशरूम मटर। अरे मशरूम से तो मैं बचता हूँ। और ये भाई जीरा आलू, और ये क्या है, कढ़ाई पनीर है आलू मेथी। अच्छा ये कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई पनीर भी है, पर ये तो बहुत वो है ग्रेवी वाला, सूखा होता है ना कढ़ाई पनीर को। ये दाल है ना, ये अलग वाली दाल है, दोपहर वाली है। दोपहर कौन सी थी, मलका। और ये कौन सी है, तोर की ना। तो ठीक है भाई ये अपना डिनर है, अब डिनर करते हैं। ढिकाला की एक खास बात है, कभी भी एक प्लेट में खाना नहीं आता, दो प्लेट में कम से कम भरना पड़ता है, तीन तीन चार चार तरह की सब्जी मिलती है। अभी भी दाल बनी है, ये बनी है मशरूम और ये सब। कैंटीन में थे, 9 बज गए हैं, अब चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा घूमते हैं इधर उधर भाई, थोड़ा सा जंगल देख लेते हैं इधर, लेपर्ड वगैरह दिख जाए, कुछ भी दिख जाए। तो भाई मुझे कुछ दिखा है, अभी इधर भाग गई है,
ये देखो ये देखो ये देखो वाइल्ड कैट। जंगल में भाग जाएगी भाई ये। और भाई एक चीज दिखाता हूँ, मेन गेट पे करंट छोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग पूरी चालू है। कोई सोचेगा कि नहीं है तो जयकाल घूम रहे हैं भाई वहाँ पे गिदड़ अंदर की तरफ। अभी देखा मैंने, उधर भाग रहा था। तो ये देखो मेन गेट पे लाइट जल रही है, ये दिख रही होगी आपको, क्योंकि बाहर भाई टाइगर है, टाइगर है, एलिफेंट है, बहुत खतरनाक जंगल है। बिल्कुल ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बिल्कुल बीचों बीच है हम। ये देखो ये देखो लाइट जल रही है, बिल्कुल सुनसान, रामगंगा नदी की आवाज़ आ रही है बिल्कुल बस। और ये देखो थोड़ा सा लाइट मारता हूँ मैं, देखता हूँ कुछ दिख जाए सड़क पे, कोई आँखें वाँखें चमकती हुई, कुछ नहीं है भाई अभी तो फिलहाल दूर से दूर तक। ठीक है भाई, तो वॉकिंग करने जा रहे हैं थोड़ा सा और आके। अब मैं तो गिदड़ दिखाता उसको और रिकॉर्ड करते हैं। एनएक्स यहाँ पर है सामने जिसमें हम रुके हुए हैं, इसका बोर्ड लग रहा है, कुछ लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं। तो ठीक है भाई, देखो इन्होंने किस तरह से बैरिकेटिंग भी कर दी है, अब इधर से कोई जीप नहीं आ सकती। ये देखो इस तरफ की हुई है, और ये स्टाफ कैंटीन है, हमने यहाँ तो खाया नहीं आज, वहीं पर खाया है भाई मेन कैंटीन में। और थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पर, वॉक कर रहे हैं। अरे शेखावत भाई, अभी ना कुत्ते जैसा एक चीज़ पे से भाग के गई थी थोड़ी देर पहले, क्या हो सकता है? लोमड़ी है ना, देखो आ रहे अंदर ना, लोमड़ी आ जाती है अंदर। और स्पॉटेड डी, अब स्पॉटेड डियर नहीं आ सकता क्योंकि नई फेंसिंग लग गई, पर इधर मिंगन की। अच्छा स्पॉटेड डियर नहीं आ सकता ना, पर लोमड़ी आ सकती है, वो नीचे वाले में करंट नहीं होता ना, नीचे झुक के आ जाती है। कुछ लोग और घूम रहे हैं। ये रास्ता है हटमेंट को जा रहा है, ये कैबिन है सामने और उधर हटमेंट है, हटमेंट। और भाई हम बहुत खतरनाक एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे टाइगर पूरी टेरिटरी है। और देखो क्या ये क्वार्टर बन रहे हैं, देखो फॉरेस्ट वालों के क्वार्टर, आर्मी वालों की याद आ गई मुझे देख के, जैसे आर्मी में पुलिस में भी ऐसे क्वार्टर रहते हैं ना। अच्छा हाँ। आप रहे हो कभी क्वार्टर पुलिस वाले में? हमारे क्वार्टर बहुत जबरदस्त है। आपने फैमिली रखी है कभी? नहीं, नहीं हमारा खुद के घर है ना। अच्छा तो रखे नहीं, हमको फेयर मिल जाता। अच्छा तो ठीक है, वो ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फेंसिंग का, देखो ब्लिंक कर रही है ना लाइट। लाइट दिखाता हूँ। हाँ ये तो कैबिन है, देखो मैं इस दीवार के ऊपर से ना कैबिन दिखा देता हूँ, हम तो एनएक्स में रुके हैं। ये कैबिन है, सामने कैबिन है और इधर कैबिन है और उधर हेडमेंट है। अरे 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 डियर है, डियर। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। हम गेट खोल के जा सकते हैं घूमने, थोड़ा सा वॉक करने, दो चार किलोमीटर। ताला खुला है, सुनो सुनो ताला खुला है। दिमाग खराब है क्या? अरे सुनो मैं मजाक नहीं कर रहा, जा तू ही जा। तीन चार किलोमीटर चलते हैं ना जेल में, जहाँ पे टाइगर था ना। ये देख एक बार टॉर्च। अरे सर हाथ पकड़ो ना, सर का सर को बुलाओ ना, हाथ पकड़ के बुलाओ ना सर, थोड़ी एक बार टॉर्च। हाथी का गोबर में पैर सन गया सना भी तो, किस्मत देखो, किस्मत देखो कितनी अच्छी है। हाथी के गोबर में पैर सन रहा है, किसका संता? तुम्हारा संता है कभी हाथी के गोबर में पैर? हमारा संता है। ये जगह है जिसमें से लोमड़ी अंदर से आ जाती है। अच्छा इसमें से आती है ना, बट जो स्पॉटेड डियर है वो दिखाना 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 वो रहा भाई, देखो स्पॉटेड डियर वो रहा, दो है देखो ये रहा। और पहले क्या होता था जब ये फेंसिंग नहीं थी ना, ये वाली नीचे थोड़ी, ये देखो ये देखो ये देखो भाई। अरे स्पॉटेड डियर तो देख रहे हैं, मुझे लोमड़ी देखनी है। वो देखो वो देखो वो देखो, रुक जाओ मैं भाग के जाता हूँ एक बार पकड़, थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं इसको। वो भाग गया, भाग गई। वो देखो वो जा रही लोमड़ी। ये देखो पूरे में घूमती रहती पूरी रात। देखो भाई स्टाफ आवास प्रवेश निषेध लिखा है कि इधर मत आओ, पर हम जाते हैं घूमने। ये शेखावत भाई ना सामने रुके थे एनएक्स में, उसमें किस में रुके थे? कैबिन में, कैबिन में। और सामने टाइगर देखा था इन्होंने दिन में ना, डियर दिखे अंदर की तरफ। चलो लाइट जलाना, ये देखो आंखें दिख रही हैं। ये देखो बैठा है भाई स्पॉटेड डियर, कितना सेफ बैठा है यहाँ पे। एक ये बैठा, दोनों इधर देख रहे हैं ना। और ये अंदर पता क्यों आ जाते हैं?
भाई अनवर सर कुछ दिखा रहे हैं, ये पिछले टाइम जब मैं आया था ना अपने मोबाइल से निकाला हुआ टाइगर। अरे वाह, ये वहाँ का। अरे वाह, ये तो रामगंगा के किनारे है ना। ये मेरा भांजा, ये छोटा भाई, ये मैं, ये छोटा बेटा, ये टाइगर। अरे वाह, ये चलते हुए दिख रहा तुमने तो भाई, देखो टाइगर पार वाली है। हो गया तो इस बार ये सब बोल नहीं रहे, हमें क्यों नहीं लेके गए? नहीं, पागल हो गए थे, लेकिन मैंने ले जाना है। अच्छा, अरे वाह, मेरी वजह से भाई। देखो बेटा तो नर्वस हो गया था। अच्छा, नहीं मैंने ला, मैं बेटा तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ाई करो। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। ये मेरा बड़ा बेटा। अरे वाह, और ये टाइगर बड़ा बेटा। ये गैरल के अंदर पीते बैठे हम सब। क्या बैठे यार, क्या पार्टी कर रहे हैं गैरल के अंदर। बड़ा बेटा ये मैं, छोटा भाई ये भांजा। अच्छा, ये बच्चे है मेरे, ये और ये छोटा है, ये बड़ा है। अच्छा भाई, तुमने तो सही, मैं बताऊं, ये यादगार था तुम्हारा, जून में आए थे ना, ऐसा नहीं मिलता। जून में मिलता है बस। बहुत मजे किए तुमने। मैं फोटो देख के मैं सोच रहा हूँ यार, इतना तो कभी हमने भी नहीं देखा। नहीं, अपने को भी मिलेगा ना। हाँ नहीं, अभी है, तीन सफारी है, कल सुबह, कल शाम को, फिर परसों सुबह। अब तो कैसे अपने को मालूम पड़ गया ना। हाँ। अरे वापिस मत जाओ। अरे वाह, वापिस मत जाओ, इधर आओ ना। अरे उधर पता है क्या चक्कर है? क्या कुछ है भैया? डर लेंगे कि जब तुम्हें मना किया है तो क्यों आए हुए। सुनो, उसके अंदर भी होंगे, देख तो लो एक बार। हाँ, मैं बता। सुनो, एमपी थिएटर चलते हैं, डोरमेट्री के पीछे एक इलाका है, बहुत मजा। अच्छा, बहुत अंधेरा। बिल्कुल शांत कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल शांत है ना, क्योंकि इतनी सी कॉल ना, वही अगर टाइगर होता ना तो नहीं, वहाँ पे तो हिरन है। राइट में और उधर मत मारो, स्टाफ में मत मारो, नहीं तो फिर मना करेंगे टॉर्च के लिए। मजा आ रहा है भाई नाइट वॉक करने में, रात को खाना भी पच जाएगा क्योंकि यहाँ पे बुफे खा रखा है अनलिमिटेड। बहुत हैवी हो गया, वहाँ पे जाने का कोई मना नहीं है, आ जाओ। और डोरमेट्री में भी देखें ना कितने लोग आए हैं, डोरमेट्री का क्या हिसाब है। डोरमेट्री भी देखते हैं भाई, अपनी डोरमेट्री, अपनी तो फेवरेट वही है, जन्मभूमि, बचपन से वहीं आ रहे हैं, चलते हैं थोड़ा सा। देखो ये डोरमेट्री है, पता नहीं आए हुए हैं कुछ लोग, इसमें रुके हुए हैं शायद, लाइट जल रही है। और ये बम्बू इतने सारे क्यों आए हैं यहाँ पे? मुझे लग रहा है एमपी थिएटर का काम चल रहा है। अरे डर क्यों रहे हैं? आ जाओ, डरो मत, साथ में रहोगे तो ठीक रहोगे, पीछे रहोगे तो नुकसान में। साथ में आ जाओ, ये डोरमेट्री है, देखा कितनी खतरनाक है, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। अरे डर क्यों रहे हो? अरे सुनो, अरे यार डर क्यों रहे हो? अरे इधर मैं पहुंच गया था गेट तक, उधर किसी जा, हाथी है। हाथी का कोई चक्कर नहीं है। सुनो, आओ ना यार, डरो मत ना प्लीज। अरे ये यार सुनो, हमें पता है बीबी बच्चे हैं हमारे, नहीं है इनके बीबी है, बच्चे नहीं है मेरे, बीबी बच्चे भी नहीं है, कोई टोकेगा नहीं। सुनो, तुम्हारे बीबी बच्चे हैं? अरे यार तुम्हारा थोड़ा सा, तुम दीवार के उधर रहना, कोई दिक्कत नहीं। अरे आ जाओ ना, आ जाओ बस, कोई किसी का साथ मत छोड़ना, कोई किसी का साथ मत छोड़ना, मरेंगे चारों, मतलब जिएंगे। और ये देखो डॉर्मेट्री, इसमें रुके हुए ना, देखो आदमी, चिंता मत करो, आदमी है आसपास। बहुत बार टाइगर इधर से आया रात को, बहुत बार। सुनो आराम से, पहले यहीं पे रुको, ढंग से देखो, टाइगर छोड़ता नहीं है, एक पंजे में लटका देता है। पहले आराम से देखो, सुनो आराम से, कोई भागना नहीं है, बिल्कुल चप्पल निकल जाएगी मेरी, दिक्कत। सबको मम्मी की कसम है, आ जाओ। एमपी थिएटर बनने लग रहा भाई, ये थोड़ा सा नाइट का हम हॉरर सीन कर रहे हैं यहाँ पे डिकाला में। आ जाओ, ये बहुत व्यावान जंगल है, आ तो जाओ। अरे यार तुम लोग आओ तो। सर ने क्या बोला? सुनो, सर ने क्या बोला? मैंने अपनी लाइफ में इतना खतरनाक जंगल नहीं देखा, डेंस जंगल है। अरे आ जाओ, वहाँ पे अकेले खड़े रहोगे तो नुकसान में रहोगे, पीछे से गायब हो गए तो। ओ भाई, ओ
यहाँ पे है खतरनाक का, ये फायर लाइन में ना बहुत दिखा फायर दिखा पता नहीं लग रही थी वो भाई तो डर गए थे बहुत ज्यादा भाग रहे थे वो भाई तो भाग रहे थे। ये लाइब्रेरी है, इसकी लाइट जल रही है और कोई है नहीं यहाँ पे, कल सुबह मॉर्निंग में दिखाऊंगा। पता चला अभी कॉल हो रही है तो जल्दी से जा रहे हैं मैं और शेखावत भाई। टाइगर हम देख के आएंगे, बहुत अच्छा शॉट लाएंगे, डोंट वरी है ना। कॉल हो रही है बहुत अच्छे वाली, मजा आ गया। आप दोबारा चलते हैं उधर, लेफर अच्छे यहाँ पे सामने नहीं, फिर भी देख सकते हैं क्या पता कुछ दिख जाए। वो क्या घर की लाइट जल रही है, कोई आदमी था वो था वहाँ पे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कॉल हो रही है, आ जाओ किधर, ठीक है कल मिलते हैं। ठीक है तो भाई यहाँ पे जो रखवाली कर रहे हैं ना, जो अभी चौकीदारी कर रहे हैं चाचा, जो मतलब महावत हैं यहाँ के, तो उन्होंने बोला कि उस तरफ से टाइगर निकल गया है मेन गेट की तरफ से, तो देखते हैं अगर उधर कुछ मिलता है तो, या फिर रूम में चलते हैं अभी अभी, क्योंकि कॉल बंद हो चुकी है, अभी कॉल नहीं आ रही। बिल्कुल 43 इयर्स, चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। मैं बताऊंगा आपको कि असली में डिकाला का हीरो कौन है। और एक और चीज, रिटायर हो गए फिर भी घर जाने का मन नहीं करता। अरे वाह, आपका घर किधर है? डिकाला पसंद आता है। आपका घर किधर है? मूल नजियाबाद। अरे वाह, ये तो इधर ही पास में बिजनौर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, चलो गाइस गुड नाइट। मैं तो उधर हल्दुपुरा वगैरह सब घूमा हूँ ना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। 3 साल रह गया। अरे वाह, वहाँ की दो हथनी ना, जब मैं गया था पिछले साल, दो हथनी बीमार हो गई थी, तो जंगल रास्ते वहाँ लाए कालागढ़, फिर शायद पता नहीं वो बची, एक मर गई थी, दोनों बच गई ना। अब तो वहीं पहुँच गई होंगी वो, फिर दोबारा वहीं चलेगी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा। मुझे ना हल्दुपुरा ना गैरल से भी अच्छा लगा, वहाँ पे हाथी आए हुए बहुत सारे, नमक चाट रहे थे ऐसे करके, प्रोटीन ले रहे थे। हाँ हाँ, वो ढांग में। हाँ ढांग में हाँ। इतना घना जंगल, जैसे ही वो बंद किया ना इलेक्ट्रिक फेंसिंग चलाई, हाँ। तो चारों तरफ से वो लोमड़ियों ने घेर लिया, हाँ। चारों तरफ से, हाँ। हम दो ही थे वहाँ पे, हाँ। फिर वहाँ पे भूतों की कहानी सुनाई, ओल्ड फॉरेस्ट स्टार्स में कोई अंग्रेज मर गया, पता नहीं क्या क्या। नहीं यहाँ नहीं, आपको कभी महसूस हुआ यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? हाँ यार, क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं बताना कुछ ऐसा हल्का फुल्का सा कुछ। देखिए ये कोई सी भी जगह ऐसी नहीं है जंगल में, कोई सी भी जगह ऐसी नहीं है, हाँ। पर जहाँ पर सैयद बाबा का बसे रहना, हाँ। क्यों, इनको जब ये जो जैसे आपके यहाँ देवता बोल देते, हाँ, देवता बोल देते, हमारे यहाँ ये पीर बोल देते, हाँ। तो जब इनकी एक बैठक लगी, हाँ। तो अब जैसे आपके यहाँ भोला देव हो गया, हाँ, हाँ। शाकुंभरी देवी हो गई, हाँ, बिल्कुल चंडी देवी हो गई, मनसा देवी हो गई, बहुत देवी हो गई, हाँ। तो ऐसे हमारे यहाँ भी ये पीर जो पीर, है, हाँ, समझ गया मैं, समझ गया ना, तो इनको जो है ये जो वैसे इनको सैयद बाबा बोलने लगे अब, यानी ये कालू सैयद बाबा है, तो इनको बहुत जगह जंगल में, हाँ, तो इनको जो है ना एक जंगल का बादशाह बनाया गया, हाँ, कि आप जो है जंगल के एक बादशाह हैं, हाँ, तो हम लोग जब कभी परेशान हो जाते हैं, हाँ, तो ऊपर वाले से कहते हैं कि आए ऊपर वाले, हाँ, है मेरे खुदा, हाँ, तो हमारी मदद कर, और फिर इनको पुकारते हैं हम, हाँ, कि ऐ कालू सैयद बाबा, हाँ, हम इस मुसीबत में हैं और हमारी ये मुसीबत को तो दूर कर दे, खुदा की, हाँ, रहम, खुदा के पास, हाँ, जाके उनसे दुआ करो, दुआ करो, समझ गए। तो ये हमारी, हाँ, कभी भी दुआ को जो है इनकी जैसे बैठक लगती थी पहले, हाँ, तब तो ये बोलते थे कि जो चला गया लड्डू मिलते, घर आ गया तो कूड़ा हो जाता था, हाँ, और मतलब दिखते थे साफ, बारात निकलती थी, ये पता नहीं क्या क्या बहुत पहले चलता था हमारे यहाँ मोहंड में, हाँ, मोहंड में, मोहंड है, हाँ, मोहंड में नदी पार जब करो आप, हाँ, तो बाईं तरफ जब इधर से धौलखंड को जाओगे, हाँ, हाँ, तो बाईं तरफ एक कुआं है, कुआं है, कुआं है, कुआं है, नदी पार करते ही, नदी पार करते ही कुआं है उल्टे हाथ पे, हाँ, जैसे हम जंगल से, हाँ, वहां से पानी वो ढक रखा है वो, जी हाँ, हाँ, तो उसे मावली वाला कुआं बोलते हैं, हाँ, वहीं से एक रोड गई है ऊपर को, अच्छा, तो ऊपर जाके उसमें मचान भी है, मचान भी है और तालाब भी है, उसी की ठीक बहुत बड़े पेड़ भी, हाँ, है, उसकी बगल ठीक बगल मजार भी है, मजार है, मजार तो है, कालू सैयद बाबा का मजार, हाँ, मजार, एक मजार धौलखंड के पास भी है, धौलखंड के जो रेस्ट हाउस है, हाँ, रेस्ट हाउस, मेरा एक यहाँ से लेके और तुम्हारे बादशाही बाग तक, हाँ, सब एक एक जगह मेरी छानी हुई है,
अरे वाह, हाँ उधर मेरा बचपना गुजरा, इधर मेरी झिलमिल भी गए होंगे, वहाँ भी मजा आ रहे हैं। झिलमिल नहीं, इसमें झिलमिल रसियाबाड़, हाँ रसियाबाड़ में मैं बहुत अच्छी चिड़िया पकड़ रसियाबाड़, हाँ मैंने 5 साल हाथी के बच्चे भी पकड़े। अरे वाह, वहाँ पे तो चिल्ला में, चिल्ला में, अभी अभी चिल्ला में है हाथी बहुत सारे। एक ना हाथी हथनी जिसने 8 मारे उसको भी ट्रेनिंग मिल रही है, वो भी अंदर है। एक हथनी ना वहाँ पे मैं देखता हूँ नहाते हैं वो, रेस्क्यू जिम बना रखा, खेलते हैं वहाँ पे, टायर वायर लटका रखे। मैं देहरादून में तो रहता हूँ, मामा सहारनपुर के, तो मोहंडी की सफारी करना। हम तो पड़ोसी आपके गांव है वो मोहंडी है। अरे वाह, अरे वाह, मोहंडी में ही पैदा हुआ। अरे वाह, एक एक लड़का है वन गुज्जर है, वो भी चलाता है गाड़ी। हाँ, गाड़ी बहुत लौंडी चलाते हैं मोहंड के, तो मेरे ख्याल के शायद जितने भी लड़के हैं सब गाड़ी बाजी हैं। और वो यहाँ पे भी आया था दिखाला, एक लड़का तुम्हारा भांजा शायद। हाँ, हमारा भांजा आता है साल में एक बार आता है, वो मिला था, मैं बताया था। अरे गाड़ी चला रहा लक्की है ना, लक्की, लक्की वो गोलकीपर है, हॉकी का गोलकीपर, दोस्त है मेरे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, उनकी बीवी जो है ना मुसलमान है। अच्छा, उनके घर, हाँ वो पंजाबी है, वो मुसलमान है। हाँ। लड़का एक उनका, एक फोटोग्राफी करता है। हाँ, हाँ, दिलावर, दिलावर, वो साथ में आए थे, हम घूम रहे थे वहाँ पे, गाड़ी चला रहा। हाँ, अरे वाह, उन्होंने तो वो सबसे बड़ा काम वही कर रहे हैं, सारे टूरिस्ट वही खींच रहे हैं। मजा आ गया सुन के। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना बहुत शौक है, मैं यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो हरिद्वार के जो पास जगह जंगल है ना, वहाँ साधु संत भी बहुत घूमते हैं। तो रानीपुर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में लेपर्ड दिखते हैं। तो रानीपुर में एक सरदार जी है अंदर, वो उधर के हैं छुटमलपुर मोहंड के। अच्छा, तो 45 साल हो गए। मैंने उनको बोला, चौकी में दरोगा जी सो रहे थे, चाय बनाई उन्होंने। मैंने कहा आप ये बताओ आपको कोई चमत्कार दिखा यहाँ पे। उन्होंने बोला एक बार एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ जंगल में। हमने बोला, मैंने साहब को बोला, साहब जी, हाँ, तो मैंने बोला अच्छा जी, तो उन्होंने बोला साहब जी इसको हटाओ यहाँ से, हाथी मार देगा। तो उसका हाथ पकड़ के बाहर छोड़ के आए, बाहर छोड़ दिया। पहले तो उसने मना कर दिया कि उठो यहाँ से, उसने कहा नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा। तो नहीं नहीं उसको उठा दिया कि हाथी मार देगा। बाहर छोड़ के वापिस आए, देखा तो वहीं लेटा हुआ पेड़ के नीचे, वो हाथ जोड़ लिया उन्होंने। मतलब वैसे ऐसे करिश्मे जंगल के अंदर होते हैं। करिश्मे क्या है? हाँ, हमारी मम्मी बताती थी। हाँ, अब वो तो ऊपर चली गई। हाँ, 105 साल की हो गई। अच्छा, अरे वाह, बहुत उम्र। तो मोहंड में जहाँ मंदिर है। हाँ, मंदिर के ठीक उधर से आओ तो दाहिने हाथ पे देहरादून से सहारनपुर के, इधर से जाओ तो इधर आज भी वो हाथी खाना है। हाँ जी, तो वहाँ पर हमारे फादर रहते थे। अच्छा, हम तो पैदा नहीं हुए उस टाइम। हाँ जी, तो हमारी अम्मा की शादी हुई नहीं नहीं हाँ जी, तो वहाँ पे रहे, तो एक हमारे फादर भी महावत रहे। अच्छा, तो महावत रहे तो उनने एक रात को सपने में, हमारे फादर जो है वो धौलखंड गए हुए थे। हाँ, और साथ में उनका हेल्पर भी गया हुआ। अच्छा, हाथी का चारा। हाँ, करते ना। हाँ, एक ड्राइवर कंडक्टर दोनों। हाँ, समझ लो आप। हाँ, तो हमारी मम्मी थी, हमारी, हमारा एक बड़े भाई साहब थे, एक के बच्चा था, और एक हमारी नानी थी। हाँ, हाँ। तो वो क्या देखती हैं, सुबह के टाइम, फजर के टाइम, जिस टाइम हमारे यहाँ अजान होती है, तो दरवाजा अपना आप खुल गया। तो लेटी हुई थी। हाँ, तो इधर हमारी नानी थी, इधर हमारे मम्मी लेटी हुई थी। तो मम्मी के वो सिराने आके खड़े हो गए। अच्छा, तो हमारी मम्मी ने जब देखा कि ऐसे करके, तो हमारी मम्मी जो है वो, मम्मी हमारी बताती कि मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ रही थी। हाँ, तो जब उन्होंने, हमारी मम्मी ने देखा कि, उसने कहा ये, उसने कहा ये तो बाबा खड़े हैं। हाँ, सिराने पे। हाँ, तो हमारी मम्मी ने कहा आओ बा, सलाम किया। सलाम करने के बाद में वो पैंचे वो खसक गई। अच्छा, और उसने कहा बाबा बैठो। तो उसने कहा नहीं, तू लेटी रहो बेटी। हाँ, तो हमारी मम्मी जो है कुछ डरी हुई भी थी। हाँ, तो उन्होंने जो है सिराना थोड़ा छोड़ दिया। हाँ, तो उन्होंने मम्मी का यहाँ से सिर पकड़ा। अच्छा, ऐसे करके। हाँ, और अपना आप खड़े ही हैं। हाँ, झुक के सिर पकड़ा। उसने कहा तू एक काम कर बेटी। उनने कहा हाँ बाबा बताओ। कहने के मेरे को तो इतना डर लग रहा था। हाँ जी।
कि हो सकता है कुछ टाइम वो रहते तो मैं हो सकता कि मैं चल भी देती, काट काट हो जाता। उसने कहा जो तेरे साथ में तुम्हारे आदमी के साथ में हेल्पर जो है वो आज आएंगे धौलखंड से हाथी लेके ड्यूटी पे गए थे। उसने कहा उसको हेल्पर को लेके और तुम और 12 बजे के बाद कोई टाइम भी और फजीर के टाइम तक 4 बजे तक 5 बजे तक जितना माल तुमसे खोदा जाए। और उन्होंने क्लियर साफ क्लियर बताया, उन्होंने कहा तो बाई तरफ तू खोद ले मेरा सिराना जाके जारत का, बाई तरफ तू खोदना, दहनी तरफ उसको खोदवाना, किसको जो तुम्हारा साथ में हेल्पर है। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा तो उसने कहा तुम्हारी नानी नानी भी सुनाती थी किससे, हमारी मम्मी तो सुनाती सुनाती हमें नानी भी सुनाती, कहने लगे क्लियर दिखाया कि देख दबी है जितना मर्जी चाहे उतना उतना ले ले। आमने सामने दिखाया उन्होंने, ये नहीं कि सोते हुए या कैसे, आमने सामने दिखा रहे उसको। तो मम्मी बोली, उसने कहा थी सिर्फ ये बात जो है दो ही आदमियों के बीच में रहनी चाहिए, जो तुम्हारा हेल्पर है वो और तुम, और करने के अपने आदमी को भी मत बताना, और जो तुम अपने आदमी को बता दोगी तो ये दौलत तेरी नहीं होगी नहीं होगी। तो जब 8 दिन का टाइम दिया था उन्होंने तो 7वें दिन आते हैं वो हफ्ते के दिन, फिर आए। उसने कहा क्यों बेटी तू गई नहीं? उसने कहा मैं समाज को क्या कहूंगी, मैं अपने आदमी को क्या जवाब दूंगी और समाज को क्या कहूंगी। वहां से माहौल से कम एक शॉर्टकट ऐसे रास्ता है तो वहां से 1 किलोमीटर पड़ता। तो उसने कहा जा बस। अच्छा अब नहीं मिलता तेरे, अब नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि अपने मालिक को नहीं बताना, तो हमारे फादर को उन्होंने बताया, हमारी मम्मी ने। तो उसने कहा तू चली जाती। तो उसने कहा तुम तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी दूसरे आदमी गैर बच्चे के साथ जा रही है, हैं तो तुम्हारा दिल मान जाता? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा बस। तो वैसे हमारे फादर जो थे उनको मानते बहुत थे। होली वाले दिन कव्वाल यहाँ से नजियाबाद से कव्वाल बुलाते थे वो। अच्छा हाँ, उधर ही मोहन की तरफ नजियाबाद से कव्वाल मोहन जाते थे। फिर जिस दिन होली फूकती थी तो उस दिन वहाँ कव्वाली जरूर गवाते थे। हमारे फादर बहुत मानते थे चीजों को। हमारे फादर डरते नहीं थे बिल्कुल, अबाल बबाल थे ना। अच्छा, डरते नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ज्यादा करा, ज्यादा कोई परेशान करे तो उन्होंने कहा नंगे हो गए सिर पर रखे कपड़े, चल भैया चल भैया तू भी आ जा। और उस जमाने में तो कितने होते थे, चलाओ एक दिख जाए, कुछ दिख जाए, जिन दिख जाए। यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी है सैयद बाबा हमारे। यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। ये यहाँ पे ये जो कमरपट्टा रोड है, हाँ कमरपट्टा रोड है, ऊपर बैरियर लगा है। हाँ हाँ, बैरियर लकड़ी लगी है। हाँ हाँ, वो सीधी जो रोड गई है। हाँ हाँ, उस पर 2 किलोमीटर ऊपर जाके। अच्छा, बाबा का मंदिर है बहुत बड़ा। अच्छा, हमारा। अच्छा, हम लोग जाते हैं। हाँ, जाते होंगे कभी कभी। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत टूरिस्ट भी जाते हैं। अच्छा, हाँ तो टूरिस्ट यहाँ से अनुमति लेते हैं ना। अनुमति लेते होंगे। हाँ, यहाँ से अपना स्टाफ जाएगा साथ। हाँ, स्टाफ जाएगा। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे आपने कभी वैसे नहीं देखा होगा, जैसे कभी जंगल में जा रहे हो हाथी से कोई अनोखी चीज दिख गई या कोई? नहीं, देखो हमने खुद देखा है किन्नौली में। अच्छा, किन्नौली में। हाँ, बाबा हैं। अच्छा, बड़े लंबे चौड़े हैं। अच्छा, हाँ देखे पर हम डर गए। अच्छा, उस टाइम पे क्यों, नई नई जवानी थी। हाँ समझे। हाँ, आप कैसे अकेले जा रहे थे? नहीं ना, रात को ऐसा हुआ कि मैं कमरे से बाथरूम करने के लिए बाहर सड़क पर आया। हाँ, तो वो जा रहे, पहले कुछ जा रहे थे ऐसे। हाँ, तो मैंने कहा यार ये बिजली का खंबा कहाँ से आ गया। अच्छा, मैंने जो नजर मारी ऐसे करके। अच्छा, मैंने कहा लकड़ी का खंबा तो था नहीं। हाँ, जब ऐसे नजर मारी उठा ना मैं। हाँ, ऐसे नजर मारी। हाँ, तो मैंने कहा यार काले कपड़े पहन के उन्होंने। अच्छा, सफेद पगड़ बांध रखा और डंडा हाथ में। रात में, रात में। हाँ, और जब मैंने देखा ना तो मैं तो वहां से बहुत तेरी गोली, अब बाथरूम करा नहीं करा, मैं तो सीधा क्वार्टर में। अच्छा, क्वार्टर में से खिड़की थी। हाँ, तो बंगले की तरफ कुछ ठीक खिड़की लगती है। हाँ, तो मैंने उस खिड़की से देखा। हाँ, तो वो सीधे गए। हाँ, और गैलरी तक गए और गैलरी से फिर उनको लापता हो गए। लापता हो गए। तो मैंने फिर सुबह जिक्र किया तो जो पुराने आदमी थे ना वहाँ पे चौकी थी किन्नौली में। तो कहते थे जब ये टूट फूट गई
तो इसमें चिरागी होती थी। अच्छा, बृहस्पति वाले दिन, आज के दिन चिराग जलता था इसमें। अच्छा हाँ, तो वहाँ उन्होंने बसेरा कर लिया था। तो फिर ये मंत्री संतरी जैसे आते रहे, तो ये पीएससी वाले, पहले फेंसिंग तो थी नहीं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 83-84 की बात। अच्छा, तो उस टाइम पे पीएससी पुलिस वाले तो लैटरिंग पैटिंग करने लगे इधर उधर, गंदगी करने लगे, तो उन्होंने फिर जो है वो, अच्छा, चौकी जो है वो खंडर हो गई थी, खंडर हो गई थी वो जमीन के, जमीन मिल गई थी समझो, तो उन्होंने वहाँ से फिर जगह छोड़ दी। अच्छा, ये जगह भी छोड़ देते हैं। अच्छा, जगह भी छोड़ देते हैं। यार घूम रहा है भाई, सियार है वो, लोमड़ी बता रहे तुम। हाँ, सियार भाई, कॉल हो रही है, कितनी खतरनाक कॉल को भर लो आवाज। हाँ हाँ, ये दो 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 कॉल कर रहे हैं और हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उस तरफ मत जाना, क्योंकि अगर गए तो भाई हो सकता गर्दन ही तोड़ दे एकदम से आके। दो दो कर रहे हैं, दो दो एक साथ। हाँ, वो क्लियर दिख रहा है उनको, क्लियर दिख रहा है, इसके आसपास ही टाइगर दिखते हैं ये, जो तो मेन में टाइगर के उसमें खड़े टेरिटरी में, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है सब कुछ। आप डोर मटर के पीछे जाएंगे। हाँ हाँ, जो रास्ता है टाइगर, आप वहाँ दिखाई, दो दिन की सफारी कर लिया। हाँ हाँ, दो दिन की सफारी में मुझे चारों तरफ घुमाया गया। हाँ हाँ, कहीं नहीं मिला टाइगर, टाइगर मुझे यहीं मिला, ग्रासलैंड में है ना। हाँ, इसके आसपास ही रहा है टाइगर, बैठा हुआ है ना टाइगर जो है। हाँ, डियर को देख के बैठ गया डियर जो है उसको देख के चिल्ला रहा है। ये आपने सही बात कही, देखो इनको सब पता है, ये 45 साल का एक्सपीरियंस है। चलेगा ना बस, तो फिर जब चल देगा तो फिर 2-4 दफे बोलेंगे उसकी, शांत हो जाएंगे। ये सही कह रहे हो, इनको बहुत तजुर्बा है, जो बोल दिया सही है, यही पिक्चर है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कॉल हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर खो नहीं पा रहा था देखने। ये देखो भाई, टाइगर अंदर भी आ सकता है, इसलिए बहुत शांत सब कुछ। सुनो, और हम डायरेक्ट आ गए कैंटीन के सामने। इधर से नहीं है, देख मुझे, मुझे देख लेना पहले, इधर नहीं है कॉलिंग, पूरी 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 ये इधर इस तरफ देख रहा है, ये कॉलिंग इस तरफ से। हाँ, ये यहाँ पे कॉलिंग हो रही है। अब टाइगर यहीं पे कहीं पे है इस तरफ, उनको दिख चुका है, स्मेल हो चुकी है, तभी कॉल कर रहे हैं। चल छोड़, सुबह देखेंगे, मैं तो सोने को घुस गया था। सबको भगाया तुमने, बचा लिया तुमने, जान बचा ली। नहीं, मेरे हिसाब से ना है, सुबह इधर से देख लेना तो भी इधर दिख सकते, सुबह सुबह ना, अर्ली मॉर्निंग। पर मेरे हिसाब से ना चाचा, तो कोरा है, काम हो गया, कोरा बहुत है ना अब, देख टाइगर ने पकड़ लिया। नहीं नहीं, एक कुकू की वजह से कुत्ता कटक नहीं करा, दांत कट रहे हैं, देखो पैर भी मार रही है। हाँ, पैर भी मार रही है। हाँ, इनको ना स्मेल आ गई है, देख लिया। अच्छा, रात को तो दिखता है इनको बहुत अच्छा, हिरन को थोड़ी अच्छा दिखता है, सिर्फ एक दो पैर वाले को नहीं दिखता है। हाँ, वैसे आपको लगता है कहाँ पर हो सकता है ये? इधर, इधर ही बैठा, इधर ही बैठा है टाइगर, इधर ही है नीचे, तभी तो इतनी जोरदार कॉल है। टाइगर तो यहाँ से भी कूद जाएगा। अरे सही कह रहे, अरे यहाँ से तो आराम से कूद जाएगा। तो टाइगर के लिए थोड़ी है ये कोई तार बंदी, अरे टाइगर के लिए तो है, खैर होता है, फर्क तो पड़ता है फरक। भाई टाइगर बिल्कुल हमारे नीचे ग्रासलैंड में है और बहुत ज्यादा अंधेरा है। ये तो सिर्फ बात ये है कि उसके लिए खाना भर, और पूरा हिरन का ग्रुप इधर आया हुआ है, क्योंकि डॉर्मेट्री यहाँ कैंपस में ग्रुप नहीं है ना, तुमने कहा था ना नीचे गया हुआ है, वो ग्रुप नीचे गया हुआ है और यहीं पे टाइगर है नीचे। एक हमें दूर फॉरेस्ट की वो लाइट दिख रही है, चौकी चौकी। आज मौसम खराब है क्या? चांद देखो कैसे दिख रहा है, मौसम खराब है क्या आज? कल मौसम साफ होना चाहिए वैसे तो। भाई सब लौट चले हैं, मैं भी चलता हूँ अपना रूम में, चलते हैं।
क्योंकि बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। टाइगर इतना पावरफुल होता है, ये कुछ नहीं समझता इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह को। इस दीवार को ऊपर आ गया तो बस मार ही डालेगा। तो अपना लाइट जलाते हैं, देखते हैं कोई सांप वाप ना हो, कोपरा ना हो। अपना चलते हैं रूम में। पता नहीं लोग कैसे हैं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। बाहर कॉल हो रही है, इतना कोई भी बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ मैं यूँ सब पड़े हैं, सब लेटे हुए हैं कमरों में। चलो भाई ठीक है दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10:30 और आज का दिन ये रहा। आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। अभी सोते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नए दिन के साथ और नई सफारी के साथ। कल लास्ट दिन है हमारा, परसों तो हम चले जाएंगे। जैसे आज का दिन का पता नहीं चला, ऐसे कल के दिन का पता नहीं चलेगा। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में कल सुबह। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।